हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर, सेकेंड लेक्चर ऑफ चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन. नाउ इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द बेसिक्स. अब हमने कैटेगराइज कर दिया था काइनेमेटिक्स में कौन कौन सी ब्रांचेस होती है, उनमें से एक होती है मोशन इन स्ट्रेट लाइन. अब हम नेक्स्ट कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट इज़ द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, एंड फर्स्टली वी विल डिफाइन द डिस्टेंस. अब सबने पढ़ा हुआ 9th क्लास में कि डिस्टेंस क्या होता है. डिस्टेंस क्या है? द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन. द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल बिटवीन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन. इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन इज नोन एज डिस्टेंस. उसको क्या नाम देते हैं हम? डिस्टेंस. दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस. जैसे हम एग्जांपल लें कि लेट अस सपोज दिस इज द पॉइंट ए. नो अ पर्सन इज गोइंग फ्रॉम फर्स्टली ए टू बी. लेट अस सपोज इट इज द 2 मीटर और 3 मीटर ले लीजिए आप, 3 एंड देन बी से इट इज़ गोइंग टू सी. लेट अस सपोज इट इज़ द 5 मीटर. तो टोटल पाथ लेंथ उसने कितनी कवर की? 3 + 5, दैट विल बी 8 मीटर. कितनी कवर की है? 3 + 5, दैट इज़ द 8 मीटर. दिस इज़ द डिस्टेंस. तो अगर यहाँ पे हम डिस्टेंस से निकालेंगे तो कितना होगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू 3 + 5 मीटर, दैट विल बी इक्वल टू 8 मीटर. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल. नो यूनिट्स इसकी क्या होती हैं? यूनिट्स SI सिस्टम, CGS सिस्टम. SI में होती है इसकी मीटर एंड CGS में होती है इसकी सेंटीमीटर. जो डिस्टेंस की यूनिट्स हैं लीटर. नाउ नेक्स्ट इज द डिस्टेंस इज द स्केलर क्वांटिटी. आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा था स्केलर एंड वेक्टर्स के बारे में. डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, मीन्स देयर इज नो डायरेक्शन एसोसिएटेड विद डिस्टेंस, इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज द डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट क्या है? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजिशन. मीन्स अगर हम गो बैक टू द इनिशियल एग्जाम्पल, जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल ली थी उस पर हम वापस जा रहे हैं. तो पहले तो हमने लिया था कि कोई भी पर्सन है दैट इज़ गोइंग टू ए टू बी देन बी टू सी. तो डिस्टेंस क्या था? टोटल जो इसने पाथ लेंथ कवर की थी. अब जो डिस्प्लेसमेंट क्या है कि जो उसके इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में जो नेट और द शॉर्टेस्ट पाथ होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, उसको क्या नाम देते हैं हम? दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट. तो मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिखूंगी, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. वी आर गोइंग टू कैलकुलेट अ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हेयर, देन इट विल बी ए राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है आपके पास ABC. तो इट विल बी इक्वल टू 9 + 25, दैट विल बी इक्वल टू √34. ओके, तो इन दिस वे द डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन. अगर हमने डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो वो क्या होगा आपके पास? फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन. ये तो हमने स्ट्रेट लाइन पे नहीं लिया था. अगर हम मोशन स्ट्रेट लाइन में पढ़ रहे हैं, ऐसी ऑब्जेक्ट इज गोइंग इन द स्ट्रेट लाइन. लेट अस सपोज वो इज द ओरिजिन. फर्स्टली अ पर्सन गो फ्रॉम ओ टू ए सच दैट दिस इज द XI. देन ए टू बी एंड दिस इज द पोजिशन XF, फाइनल पोजिशन. ओके, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा आपके पास? अगर सपोज करो पहले ही वो जो पर्सन था वो ए पॉइंट पे था, वो ए से कहाँ जा रहा है? वो बी पे जा रहा है. तो क्या होगा? दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट. डेल्टा डी से हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट. तो डेल्टा डी हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे? डेल्टा डी विल बी इक्वल टू, ये था आपके पास XI
और ये आपके पास एक्स एफ है, तो डेल्टा डी कितना होगा आपके पास एक्स एफ माइनस एक्स आई। ओके, और अगर हम फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन को माइनस कर देंगे तो जो आपके पास वैल्यू आएगी दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट, दैट इज एप्लीकेबल ओनली इन स्ट्रेट लाइन। अब हम यहाँ पे ओनली स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करें तो स्ट्रेट लाइन में ही आपने ऐसे निकालना है कि फाइनल पोजीशन से इनिशियल माइनस पोजीशन माइनस करोगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगी। अगर वो स्ट्रेट लाइन पे नहीं जा रहा तो आप ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते। यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला ओनली फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन। तो इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट तो सेम ही होगी, लेंथ वाली कौन सी है एसआई सिस्टम में मीटर, एंड सीजीएस में होगी इसकी सेंटीमीटर। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी कि इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और इसके पास क्या होगा आपके साथ साथ में इसमें डायरेक्शन भी होगी। तो दैट फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। अब जो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। मीन्स पहले मैं बात कर रही हूँ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट की, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। हम इस चैप्टर में हमने मोशन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का ही फॉर्मूला लगाएंगे। स्ट्रेट लाइन में क्या है ये देखो, डेल्टा डी हमने कैसे लिखा है एक्स एफ माइनस एक्स आई। तो मैंने बोला डेल्टा डी पॉजिटिव है, पॉजिटिव है मीन्स एक्स एफ माइनस एक्स आई ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। और हम यहाँ से लिख सकते हैं एफ एक्स एक्स एफ इज़ ग्रेटर देन एक्स आई, मीन्स अगर किसी भी पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और उसकी जो फाइनल पोजीशन है वो ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू द इनिशियल पोजीशन, देन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज़ पॉजिटिव। ओके, सेकेंड इज़ द नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट मीन्स डेल्टा डी विल बी नेगेटिव और एक्स एफ माइनस एक्स आई लेस देन ज़ीरो और एक्स एफ इज़ लेस देन एक्स आई। मीन्स अगर उसकी फाइनल पोजिशन इनिशियल पोजिशन से छोटी है तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी नेगेटिव। अगर हम डायग्रामेटिकली शो करें तो ऐसे कर लेते हैं, पोजिशन हो ओरिजन था यहाँ पे, इसकी इनिशियल पोजिशन है और सपोज करते हैं द पार्टिकल फर्स्टली O to A, go O to A, then it comes back O A to B here. Now this is the final position. Means ये क्या आएगा आपका डिस्टेंस एक्स एफ आएगा और एक्स आई क्या आएगा दिस वन। तो इन दिस केस जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो क्या होगा आपके पास नेगेटिव। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट की अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बनेगी, वो ओरिजन था आपके पास, फर्स्टली द पार्टिकल रीचेज एट ए देन द पार्टिकल रीचेज एट बी। मीन्स अब हमने डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो ये है एक्स आई, दिस इज़ द एक्स एफ। मीन्स इन केस ऑफ द पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट एक्स एफ इज़ ग्रेटर देन एक्स आई, एंड इन केस ऑफ द नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट एक्स एफ इज़ लेस देन एक्स आई। ओके, थर्ड केस इज़ द ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट, ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट। ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट कब होगा कि मैं अगर बोलूँ डेल्टा डी इज इक्वल टू ज़ीरो, मीन्स एक्स एफ माइनस एक्स आई ज़ीरो, सो एक्स एफ विल बी इक्वल टू एक्स आई। मीन्स अगर उसकी इनिशियल थे फाइनल पोजीशन बोथ क्या है सेम है तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा दैट विल बी इक्वल टू ज़ीरो। मीन्स अगर हम सेम एग्जांपल लें, पहले ओरिजिन हो, फर्स्टली अ पार्टिकल स्टार्ट्स ए टू बी देन कम बी टू ए, वापस आ गया, पहले ए से बी गया फिर बी से ए वापस आया। मीन्स उसकी इनिशियल पोजीशन क्या होगी ए ही है और ये डिस्टेंस क्या है आपके पास एक्स आई ही रहेगा, तो क्या होगा आपके पास डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ज़ीरो। सो द डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब आपको एक क्वेश्चन करना है, दैट इज़ द क्वेश्चन आपको मैं दे रही हूँ, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, नाइन्थ क्लास का क्वेश्चन है ये, आपको खुद अटैम्प्ट करना है। डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, यू हैव टू राइट डाउन दिस क्वेश्चन ऑन योर नोट्स। नेक्स्ट इज द स्पीड, नेक्स्ट टॉपिक इज स्पीड। अब हम मोशन की बात कर रहे हैं, मोशन की बात कर रहे हैं तो हमने ये पढ़ना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना फास्टली मूव हो रहा है, जो उसकी फास्टनेस को डिस्क्राइब करेगी उस फिजिकल क्वांटिटी को क्या नाम देते हैं हम, दैट इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला सबको पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल, डिस्टेंस
ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल अपॉन टाइम टेकन, उतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में जितना टाइम लगा, अपॉन टाइम टेकन। ओके, तो स्पीड होगी आपके पास डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इसकी यूनिट्स क्या होंगी? एसआई सिस्टम में डिस्टेंस की क्या होती है? मीटर। टाइम की होती है सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। एंड सीडीएस में क्या होगी? दैट इज़ द सेंटीमीटर पर सेकेंड। दीज आर द यूनिट्स ऑफ द स्पीड। और अगर आप बड़े स्केल पे बात करते हो तो हम जो स्पीड है वो कैलकुलेट करते हैं किलोमीटर पर आवर में, और 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में करेंगे तो ऐसे लिख सकती हूँ 1 किलोमीटर अपॉन 1 आवर। और 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? 1000 अपॉन 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं? चलो मैं लिख देती हूँ 60 × 60, 1000 upon 3600, इट विल बी इक्वल टू 5/18 meter per second। मीन्स अगर आपको कहीं पे भी किलोमीटर पर आवर में डाटा दिया हुआ है, आपको मीटर पर सेकंड में जाना, तो उसको इससे ज़्यादा मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से। ओके, नेक्स्ट, स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट वी हैव टू कैटेगराइज अ स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? कॉन्स्टेंट। मीन्स इफ द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉन्स्टेंट देन इट इज सेड टू बी मूव विद द यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड क्या है आपके पास? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर ऑलवेज कॉन्स्टेंट रहेंगे तो आपकी स्पीड क्या होगी? कॉन्स्टेंट होगी। मीन्स इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देन स्पीड इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। तो हम स्पीड को क्या बोलेंगे? स्पीड ऑब्जेक्ट की क्या है? यूनिफॉर्म है। नेक्स्ट इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी? कि स्पीड वेरिएबल है। अब स्पीड क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। या तो डिनोमिनेटर वेरी करेगा, या कि आपके पास न्यूमिरेटर वेरी होगा, या डिनोमिनेटर वेरी होगा। एग्जांपल लेती हूँ मैं, यहाँ पे मैं डिस्टेंस नोट करूँगी, यहाँ पे टी नोट करूँगी। लेट अस सपोज फर्स्टली डिस्टेंस है आपके पास 1 मीटर, 2, 3, 4, 5, और टाइम मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, फर्स्टली हम ले लेते हैं 1 सेकेंड, 3 सेकेंड, 8 सेकेंड, 9 सेकेंड, और नेक्स्ट लेट अस सपोज इट इज़ द 14 सेकेंड्स। टाइम मैंने सेकेंड में नोट किया। अगर यहाँ से आप स्पीड निकालोगे तो क्या होगी? V1। चलो मैं यहाँ पे स्पीड लिख देती हूँ। स्पीड इज़ इक्वल टू, यहाँ पे होगा 1/1, 1 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे डिस्टेंस कितना कवर किया? 1, बट टाइम कितना लगा? 1, 2, 3 सेकेंड्स, कितना? 2 सेकेंड्स, और डिस्टेंस कितना? 1 मीटर। ये होगी 1/2 meter per second। थर्ड वन विल बी अगेन द डिस्टेंस फ्रॉम द सेकेंड टू थर्ड इंटरवल कितना कवर हुआ है? 1 मीटर, बट द टाइम कितना लगा? 5 सेकेंड्स, 1/5 meter per second। यहाँ से डिस्टेंस 1, बट द टाइम इज नाउ 1 सेकेंड। मीन्स यहाँ पे क्या आएगी? 1/1, और यहाँ पे आएगा 1/5। तो जो स्पीड है दैट इज गोइंग टू वेरी। सेकेंड केस हम क्या ले सकते हैं? डिस्टेंस टाइम स्पीड। क्या अब हम जो टाइम सेम रखेंगे 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, बट जो डिस्टेंस से ट्रेवल्ड है हम वो वेरी कर देंगे। 1, 3, 8, एंड लेट अस सपोज अगेन मैं 16 ले लेती हूँ। यहाँ पे आप कोई भी डाटा ले सकते हैं। अगर हम फर्स्ट इंटरवल में टाइम जो स्पीड निकालें तो वो क्या होगी? 1, डिस्टेंस 1 मीटर कवर हुआ, और टाइम कितना लगा? 1 सेकेंड, तो क्या आएगी? 1 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे जो डिस्टेंस है दैट इज़ द 2 मीटर, बट द टाइम इज़ अगेन 1 सेकेंड लगा है, तो क्या लिखूँगी मैं यहाँ पे? 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे कितना होगा? डिस्टेंस उसने 5 मीटर कवर किया, बट द टाइम इज़ अगेन 1 सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे क्या आ जाएगी आपकी? 8 मीटर पर सेकेंड। तो दोनों केसेस में स्पीड क्या आ रही है आपके पास? वेरिएबल आ रही है। तो यहाँ से अगर हम डेफिनेशन लिखें नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की, कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, और
an equal distance in equal intervals of time, then the speed is said to be non-uniform. मीन्स जहाँ तो उसने डिस्टेंस सेम कवर किया बट उस डिस्टेंस सेम कवर करने के लिए टाइम डिफरेंट लगाया, उस केस में भी क्या आएगी, स्पीड नॉन यूनिफॉर्म आएगी. और हम बोल रहे हैं कि उसने डिस्टेंस डिफरेंट कवर किया बट डिफरेंट डिस्टेंसेस कवर करने के लिए टाइम क्या लगा है, सेम लगा है. तो इनकी दैट केस द स्पीड इज अगेन अ वेरिएबल स्पीड और द नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. ओके, नेक्स्ट हमने लिखना है एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड, एवरेज कैसे निकालते हैं हम, एवरेज स्पीड क्या होती है, दैट इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. मीन्स लेट अस सपोज यू आर गोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो टोटल पाथ की एवरेज स्पीड क्या होगी. लेट अस सपोज आपने टी टाइम में इसको कवर किया था. ओके, तो मैं एक्स ले लेती हूँ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज द एक्स, तो जो एवरेज आएगी आपकी दैट विल बी एक्स बाय टी. मीन्स टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. नेक्स्ट इज इंस्टेनियस स्पीड. इंस्टेनियस का क्या मतलब होता है, एट पर्टिकुलर टाइम टाइम पोजीशन और प्लेस. अगर मैं वापस एग्जांपल पे अपनी वापस फर्स्ट एग्जांपल पे हम जाएं, यहाँ पे हमने एवरेज स्पीड डिफाइन की थी, तो यहाँ पे क्या है, ए से बी जा रहे हैं हम, ए से बी गए, तो पहले तो मैंने ए से बी का टोटल स्पीड निकाली थी. अब मैं सपोज कर रही हूँ कि यहाँ पे कोई पॉइंट सी ले लेती हूँ और यू विल रीच एट द पॉइंट सी एट टाइम टी वन, तो मैं आपको पूछ रही हूँ कि आपकी एग्जैक्टली एट टाइम टी वन के ऊपर स्पीड क्या थी. हम इसको क्या बोलते हैं, इंस्टेनियस. इंस्टेनियस का क्या मतलब होता है, एट पर्टिकुलर टाइम, एक टाइम पे, एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर जो आपकी स्पीड आ रही है उसको हम बोलते हैं इंस्टेनियस. और स्पीड निकालने के लिए हमें डिस्टेंस पता होना चाहिए, तो अगर हम सी पॉइंट के पीछे और आगे कोई भी पॉइंट ले लें सच दैट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज़ वेरी स्मॉल, अगर और हम ले लें कि टाइम बहुत कम लगा है, और मैं ले लूँ कि वन मिनट टाइम इंटरवल के बीच में देखूं कि सी के अराउंड उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, और वन मिनट हम पहले भी कंसीडर कर सकते हैं, वन मीटर हम बाद में भी कंसीडर कर सकते हैं. वन मिनट, लेट अस सपोज आप 10 बजे चले थे यहाँ पे और आप सी पॉइंट पे 10:10 पे पहुँचे हो, तो मैंने 10:10 पे आपकी एग्जैक्टली स्पीड फाइंड करनी है. तो स्पीड को फाइंड करने के लिए मैं 10:09 से लेके 10:10 तक का डिस्टेंस निकाल सकती हूँ. वन मिनट टाइम इज़ वेरी स्मॉल, और हम इतने टाइम में ये मान के चलते हैं कि आपकी स्पीड क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है. ओके, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँगी इंस्टेनियस स्पीड, तो वो मैं लिखूँगी डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, बट मेरी कंडीशन क्या है कि डेल्टा टी की वैल्यू बहुत कम होनी चाहिए, डेल्टा टी ज़ीरो के इक्वल. जैसे मैंने वन मिनट कंसीडर किया है, आप स्कूटर पे जा रहे हो तो वन मिनट तो हम ज़ीरो के पास ही लेते हैं ना, आप एक घंटे के लिए ट्रेवल कर रहे हो तो वन मिनट तो आपके लिए एक ज़ीरो टाइम ही हुआ. तो मीन्स इसको हम बोलेंगे इंस्टेनियस स्पीड. तो इंस्टेनियस का फॉर्मूला क्या होता है, ई इंस्टेनियस दैट इज इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी. ओके बेटा, नाउ द नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.